আৰু এয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাৰ মহিলা শ্ৰমিক অমিত আছাৰ ঘৰত এয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं आपने लोगे चलो 5000 अच्छा लगा आप मुझे बताओ कि आप आपको सब मुश्किल होती है क्या मुश्किलें होती है वो बताओ आप दूध चाहिए जाए हम नहीं नहीं कुछ नहीं होगा इसको इसको बाहर एक खर्चा अच्छा हो जाता है खर्चा मतलब इसे अच्छा काम कर रहे तीन ये लोग तीन भाई तीनों यहीं रहते हैं जी जी अम्मा का बगान में ऐसे किसी का परमानेंट जो नहीं है सो भी टेम्पररी करता है और मैं तो बाहर में दूसरा का गाड़ी चलाता हूँ और घर चलाता हूँ बस और आपके भाई क्या करते हैं भाई वो बगान में कुछ टेम्पररी परमानेंटली मिले कितना मिलता है उनको 1800 रुपया मिलता है तो आपको आपको सरकार से और नेताओं से क्या उम्मीद है इसे तो बहुत दिन से जो कांग्रेस सरकार भी था अभी इसे तो कुछ मिला नहीं किसी के तरफ से घर इसे घर का हालत ऐसा हो गया है अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो लोग तो बोला है ऐसे इतना भी कुछ मिला नहीं अब हम लोग का बहुत खुशी हुआ है आपको देख के अब जो चाय मजदूरों के लिए आया है असम लोगों के लिए चाय मजदूरों के लिए आप अपने कुछ समझे आया है बहुत खुशी का बात है यही है हम लोग का अभी लेकिन अगर आप किसी नेता से किसी पार्टी से कुछ मांग सकते अपने लिए मतलब कि अपने जीवन के लिए अपने लोगों के लिए तो क्या बोलते जैसे हम लोग तो अभी विश्वनाथ चाली का जो कंजन बोरा है उसको मतलब जैसे जब मैं अभी चाय के बगान में गई तो मजदूर मजदूरी कह रहे थे कि वो सिर्फ 167 मिलती है वो कह रहे थे कि अगर हमारी मजदूरी बढ़ जाए जी जी तो हमें बहुत सुविधा होगी वो कह रहे थे कि उनके पास मतलब टॉयलेट भी नहीं है वहाँ और चिकित्सा के लिए भी कुछ नहीं है तो आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है जैसे आप कह रहे थे आपका सिलेंडर खाली पड़ा है तो कैसी कैसी सुविधाएं आपके लिए अच्छी होती है अगर आप कोई बात अभी गैस भराने के लिए तो हम लोग का इतना पैसा नहीं होता है जो 800-900 रुपया लग जाता है भराने के लिए तो अभी तो जितना सरकार तो कमती करने से हम लोग हर पब्लिक के लिए अच्छा होता है लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है महंगाई बहुत है और ये डीजल कोई भी चीज के अभी जो मार्केट में जाएगा तो हर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो रही है मुश्किल और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं अभी 100 का तेल भी दाम बढ़ गया है अभी तो वही काम कर रहा है लेकिन हजरा तो नहीं बढ़ रहा है नहीं ऐसे ही चल रहा है मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन कमाई बढ़ नहीं रही है कमाई बढ़ रही है बच्चों को अच्छे स्कूल में देंगे वो तो सबसे देंगे कौन से स्कूल में जाते हैं वो गाँव है एलपी स्कूल में सामने में है अभी से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है उसमें टीचर आती है टाइम पे हाँ टाइम पे आती है वो तो बागान का कंपनी का अच्छा बड़े होके क्या बनोगे अयान बोरा अयान के पाप पुलिस बनोगे क्या करोगे पुलिस बनके चोर पकड़ोगे थोड़ा होता है कि पुलिस बनोगे पुलिस बनूंगा बड़ा होते बोलते और हम लोग का मतलब सभी लोग टेम्पररी कंपनी के तरफ से भी कुछ नहीं है तो और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ तो हाल के लिए देखिए बहुत सब नहीं मिला बाबा अभी तो बूढ़ा भी हो गया बाबा का बाबा लोग भी हम लोग कंपनी के जैसे ही बूढ़े हो गए
लेकिन अभी तो जमीन भी नहीं है। तीन भाई हैं लेकिन यहाँ पे और दूसरों का माफी में तो रहने के लिए जमीन तक नहीं है हम लोग का पास। जो भी मीडिया यहाँ पे आए हम लोग तो वही बोलेंगे क्योंकि जो सुविधा नहीं कर रहा था हमको तो बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, चाहे चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो कोई भी हो, क्यों नहीं, क्योंकि देखो अब चुनाव आ रहा है तो आपको सबसे बड़ा अधिकार कौन सा मिला है? क्या कह रहे हो उसको? क्या कर रहे हो? तो सबसे बड़ा अधिकार तो आपका वोट ही है ना। अगर कोई आपके लिए काम नहीं करता तो उसके उसको वोट मत दो, है ना। ये तो आपसे अच्छा तो कोई इसका अनुमान नहीं कर सकता। नहीं। मैं आऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी, कोई और आएगा कुछ बोलेगा, लेकिन आप में तो अपना विवेक है ना। आप अपनी परिस्थितियों को जानती हो, आप जानते हो कि ठीक है 5 साल हो गए, महंगाई बढ़ गई, मुझे मतलब कमाई वहीं की वहीं है या कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे लिए किसी ने कुछ किया कि नहीं किया ये तो आप ही जानते हो। तो इसमें सबसे अच्छा अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं और निर्णय भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी छोटी प्यारी सी बेटी है, आप चाहते हो कि इसका भविष्य बने, कि जो भी है ठीक है आप उम्मीद रखते हैं, हो सकता है कि कोई नेता आके कुछ अपनी भलाई से भी कह दे कि मैं इतना कर सकता हूँ, उसको कर ना पाए या उसका आधा ही करे, लेकिन आपको तो मतलब अपने बच्चों से भविष्य से होना चाहिए जी, जी। तो आपको निर्णय लेना चाहिए इस भविष्य के को ध्यान में लेकर। घड़ी दिखा रहे हैं मुझे, लेकिन चाय खत्म नहीं हुई। मुझे मीटिंग में जाना है, भाषण देना है। आप खा रहे अयान बोरा थोड़ा सा खा लो, नहीं लो आधा लो। थैंक यू। ये नारियल का बिस्किट है ना, मेरे हस्बैंड का फेवरेट बिस्किट है।